हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद आपके साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, डायरेक्टली मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है गुलाब सिंह और ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने वहां पे डिस्कस किया था महाराजा रंजीत सिंह का पीरियड, ठीक है। हमने वहां पे देखा था महाराजा रंजीत सिंह का जो पीरियड था वो हमने वहां पे कंप्लीट किया, लेकिन और एक दो पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। इनको आप वही, यानी कि जहां पे आपने महाराजा रंजीत सिंह का पीरियड लिखा होगा कॉपी पे, वहीं पे आप ये एक दो पॉइंट्स भी ऐड करो, ठीक। एक ये कि जो महाराजा गुलाब सिंह था, जो हमारा आज का टॉपिक है, महाराजा गुलाब सिंह जो था, महाराजा गुलाब सिंह वॉज द फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम डोगरा फैमिली हु एंटर्ड इन द सिक्स, हु ज्वाइनड सिक्स, ठीक है, जिसने सिक्स के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह पहला वो डोगरा था जिसने सिक्स के साथ ज्वाइन किया था, ठीक। नंबर दो, नंबर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो महाराजा गुलाब सिंह था, महाराजा गुलाब सिंह वॉज हेड ऑफ आर्मी किसके टाइम पे, ज्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रंजीत सिंह, ठीक है। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, यहां तक। लेकिन उसके बाद अगर महाराजा गुलाब सिंह रंजीत सिंह यानी कि सिक्स के साथ था, ठीक, अगर वो सिक्स की जो आर्मी थी, अगर वो उसका हेड भी था, उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने सिक्स को लेफ्ट क्यों किया, ठीक है, ये भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद अगर महाराजा गुलाब सिंह सिक्स के साथ था, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट क्यों कहा, ठीक है, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दैट, हम पहले इन ट्रीटीज पे पहले एक नजर डालते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट दिस वन इज 25 अप्रैल 1809 में एक ट्रीटी साइन होती है, उसका नाम भी होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ये आप उस वाली ट्रीटी के साथ अभी फिर इंटरमिंगल नहीं करना, ठीक है। 25 अप्रैल 1809 में जो ट्रीटी होती है, ठीक है, ये ट्रीटी किस किस के दरमियान होती है, ये होती है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकेप था और सिक्स की तरफ से महाराजा रंजीत सिंह था, यानी कि 25 अप्रैल 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, ठीक है। ये किस किस के दरमियान होती है, ये होती है चार्ल्स मेटकेप के बीच में और रंजीत सिंह के बीच में, ठीक है। चार्ल्स मेटकेप किसका रिप्रेजेंटेटिव था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश का था, और रंजीत सिंह वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्स, ठीक है, यहां तक। और अब बात रही ये कि 25 अप्रैल 1809 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, इसके मुताबिक ये जो ट्रीटी थी, व्हाट वाज इस ट्रीटी अबाउट, ये ट्रीटी किसके मुतलिक थी, ठीक है। देखिए क्या हुआ, जो जब ब्रिटिश 1600 में ब्रिटिश यहां आए, ठीक है, वो एज ट्रेडर्स आए थे 1600 में, यहां जैन के में क्या ब्रिटिश आए थे, वो एज ट्रेडर्स आए थे, ठीक है। यहां पे फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने जब इनके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की, इसके मुताबिक, इस ट्रीटी के मुताबिक अगर ये सतलज है, ठीक है, अगर ये सतलज थी, ठीक है, ये सतलज है, सतलज के नारत में सिक्स रहेंगे, ठीक है, सतलज के नारत में सिक्स रहेंगे और सतलज के साउथ में ब्रिटिश रहेंगे, ठीक है। यानी कि इस ट्रीटी के मुताबिक, इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि ना ही सिक्स इंटरफेयर करेंगे ब्रिटिश की ट्रीटी में, ना ही ब्रिटिश करेंगे सिक्स की ट्रीटी में इंटरफेयर, यानी कि ना ही सिक्स यहां साउथ में आएंगे, ना ही ब्रिटिश यहां नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है। ये थी इस ट्रीटी के का मकसद, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, आफ्टर सम टाइम ब्रिटिश ने क्या बोला कि जो सिक्स है, सिक्स ये ट्रीटी क्या कर रहे हैं, ये इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, ये इस ट्रीटी को तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये आप इस ट्रीटी पे, मतलब क्या, ये आप इस ट्रीटी को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यही रीजन बना कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है ये कब हुआ, ये 1845 to 1846 में हुआ, ठीक है, 1845 to 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है, ठीक है। एंग्लो मीन्स ब्रिटिश, ठीक है, यानी कि ये होता है सिक्स और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जो सिक्स होते हैं, सिक्स फर्स्ट एंग्लो सिख वार हार जाते हैं, ठीक है। कब होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार, 1845 to 1846, यहां पे किसकी जीत होती है, यहां पे जीत होती है ब्रिटिशर्स की, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद होती है साइन ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास फोर्थ का एग्जाम है, हमें इसका ओवरव्यू देखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है साइन ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या साइन होता है, इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या लिखा जाता है, ठीक है, ये किस किस के बीच में होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है बिटवीन सिक्स एंड ब्रिटिश। लेकिन जो फर्स्ट जो ट्रीटी हुई थी अमृतसर के टाइम पे, उस वक्त कौन कौन था, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकैफ। ठीक, लेकिन इस वक्त जो अब ये ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, ये भी होती है सिक्स और ब्रिटिश के बीच में, लेकिन ये होती है बिटवीन दिलीप सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। बिटवीन इस वक्त सिक्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था दिलीप सिंह। ठीक है, यहां तक। ये कब साइन होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, कब साइन होती है, 8 मार्च 1846। ठीक है, इसको भी आप इंटरमिंगल उस ट्रीटी के साथ अभी नहीं करना। ठीक है, ये थी 25 अप्रैल 1809, ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक ही चीज के बीच में हुई थी, ये हुई थी रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकैफ के बीच में। ठीक, यहां पे जो आप देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये किस किस के बीच में हुई, ये हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और दिलीप सिंह के बीच में। कब हुई थी, ये हुई 8 मार्च 1846 में। ये कब हुई, ये हुई 25 अप्रैल 1809 में। ठीक, यहां तक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ लाहौर वहां पे क्या साइन किया गया, वहां पे ये लिखा गया उनका जूम में, वहां पे पेपर्स में ये लिखा गया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इनको क्या बोला कि हमने तो पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, ठीक, हम उसी पे क्या, हम उसी ट्रीटी को फॉलो कर रहे थे। ठीक, और जो आप सिक्स हो, आपने क्या किया, आपने इस ट्रीटी का उल्लंघन किया। ठीक, यू didn't follow this treaty। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर जब ये साइन कर रहे थे, उन्होंने इनको बोला कि हमें चाहिए वार इंडेमनिटी। क्या हमें चाहिए, ये ब्रिटिशर्स आप डिमांड कर रहे हैं वार इंडेमनिटी। ठीक है, ये सिख से आप मांग रहे हैं वार इंडेमनिटी। वार इंडेमनिटी मीन्स कि जो भी खर्चा हमें जंग लड़ने में लगी, ठीक है, जो भी खर्चा हमें वार में लगी वो आप दो। ठीक है, ये कितना आप डिमांड कर रहे थे, ये बोल रहे थे इनको हमें चाहिए 1 करोड़। ठीक है, यानी कि ये 1 करोड़ किनको देना था, अब ये सिक्स को देना था। उनको क्यों देना था, उनको इसलिए देना था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, उन्होंने उसको क्या, उन्होंने ट्रीटी का उल्लंघन किया, इसलिए उसके बाद जंग हमें लड़नी पड़ी और अब हमें चाहिए 1 करोड़ एज वार इंडेमनिटी। तो उन्होंने और 2-3 बातें भी बोली, लेकिन हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बोला था कि आप सिख दरबार में कुछ ब्रिटिश रेजिडेंट्स रहेंगे, यानी कि वो कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनके साथ आपको मतलब डिसीजन लेना होगा। ठीक, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बोला था कि दो आप जो है जलंधर का, वो भी किसके अंडर आएगा, आप ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आएगा। ठीक, लेकिन आपको यहां पे ये याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो मेन पॉइंट था वो था वार इंडेमनिटी, कितना, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ किन से मांगते थे, सिख से मांगते थे। ठीक है, होप आपको यहां, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर आप हमारे साथ ग्रुप्स में, जो हमारे ग्रुप हैं, ठीक है, फटाफट क्लास के नाम से टेलीग्राम पे हैं, और पेज भी हमारा है फटाफट क्लास के नाम से, व्हाट्सएप पे भी फटाफट क्लास के नाम से हमारा ग्रुप है, और वहां पे भी ये मेरे साथ ही क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, यहां तक तो आपने देखा वार इंडेमनिटी 1 करोड़, उसको आप फिलहाल होल्ड कीजिए। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब पहले ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी आप नोट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने यहां पे लिखा है अप टू 1839 में, ये भी आपको पता होगा कि रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। ठीक, अप टू 1839 जो गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह वाज वेरी लॉयल टू सिक्स। ठीक है, उसको बहुत हमदर्दी थी, किन किन के साथ, सिक्स के साथ उसको बहुत हमदर्दी थी। ठीक है, एंड ही वाज, मैंने आपको पहले बोला, ये ऐसा पहला डोगरी फैमिली से था जो सिक्स के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, अप टू 1839 गुलाब सिंह वाज वेरी लॉयल टू सिक्स। ठीक, यहां तक। उसके बाद क्या हुआ, 1842 में जो उसका वो इंटरेस्ट इन सिक्स था, वो क्या होने लगा, वो कम होने लगा। इन 1842 ही लेकर इंटरेस्ट इन सिक्स। ठीक, 42 में इसका इंटरेस्ट लेक क्यों हो रहा था। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट था वो कम क्यों हो रहा था। ठीक है, इसकी जो लॉयल्टी थी टुवर्ड सिक्स, वो कम क्यों हो रही थी। देखिए, जब 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा था। ठीक है, जब तक रंजीत सिंह रीन कर रहा था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब उसकी डेथ होती है, उसके बाद क्या होता है, जो भी कोई लीडर आता है, जो भी कोई मतलब जो भी कोई रूलर आता है, वो मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो उतना पावरफुल नहीं था। ये जो गुलाब सिंह था, ये सब कुछ मतलब क्या, ये सब कुछ ये फील कर रहा था कि ये पावरफुल किंग्स नहीं है। ठीक है, और एक बात,
उसके बाद जो भी किंग्स आए उनका मर्डर हुआ, ये पता ही नहीं चलता था कि किसने मर्डर किया। ठीक है, यही एक दो साल दो तीन साल निकलते थे उसका मर्डर होता था, ये पता ही नहीं चलता था कि इसका मर्डर किसने किया। ठीक है, सो जो गुलाब सिंह था इसका जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा। ठीक है, जब 1845 और 1846 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, जब सिख्स ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी, वहां पे जब उनको हार मिली, ठीक है, वहां पे जब उनको मात मिली, तो फिर जो गुलाब सिंह था उसका जो इंटरेस्ट था वो पूरा का पूरा क्या खत्म हुआ। ठीक है, 1846 में फिर क्या हुआ, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट, यानी कि उस ही लेफ्ट द सिख्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, 1846 में। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा यहां तक। ठीक, इससे पहले मैंने अभी आपको बोला था वो इनसे अब फर्स्ट एंग्लो सिख वार खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स 1 करोड़ वार इंडेमनिटी क्या मांग रहे थे सिख से। ठीक, अब ये तो जाहिर सी बात है कि जो सिख्स थे सिख्स बहुत वीक हो चुके थे। ठीक है, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था। ठीक, उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। अब जब उनको 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, वो अब उनसे क्या बोल रहे थे कि 1 करोड़ हमारे पास नहीं है। सिख्स का आंसर ये था कि 1 करोड़ हमारे पास नहीं है, आप अगर चाहोगे जो भी हिली एरियाज है, ठीक है, जो भी यहां पे हिली एरियाज है उनको आप क्या कब्जा कर सकते हो। ठीक है, 1 करोड़ हमारे पास नहीं है। ठीक, और जो बाकी जो शरायत भी है, मैंने आपको भी बोलते थे एक रेजिडेंट होना चाहिए या दो, आप जो था जलंधर का वो उनके कंट्रोल में होगा ब्रिटिशर्स के, वो भी वो मान चुके थे। कौन? सिख्स, वो भी मान चुके थे। अब ये सिर्फ एक जो पॉइंट था वार इंडेमनिटी का, उनके पास 1 करोड़ नहीं था। अब वो उनको बोल रहे थे कि आप जो भी हिली एरियाज हमारे हैं आप उनको कंट्रोल में ले जाओ। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं 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 भाई, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये हिली एरियाज नहीं चाहिए। इसी वक्त जो गुलाब सिंह होता है, गुलाब सिंह आता है, ठीक है, कब, 16 मार्च 1846 में। ठीक, ये एक ट्रीटी साइन करता है ब्रिटिशर्स के साथ। ये क्या करता है, जो भी ये हिली एरियाज होते हैं ये उनको खरीद लेता है। ठीक है, ये उनको खरीद लेता है, ये उनको बोलता है कि आप ये लो फिर मैं आपसे ये खरीदूंगा। ठीक है, ये क्या करता है, जो 16 मार्च 1846 में है ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, इसमें क्या होता है, जो गुलाब सिंह होता है गुलाब सिंह पे करता है, ठीक है, गुलाब सिंह पे करता है 75 लाख रुपीज। ठीक है, 75 लाख नानकशाही रुपीज। ठीक है, नानकशाही उस वक्त यहां की करेंसी थी। ठीक है, यहां पर मैं साफ लिखूंगा, ठीक है, नानकशाही रुपीज। ठीक, नानक शाही रुपीज कितना पे करता है, 75 लाख ये पे करता है, 75 नानक शाही रुपीज ये पे करता है। किनको ये देता है, ब्रिटिशर्स को, और ये सब कुछ खरीद देता है। कौन कौन सा, एक तो जम्मू भी इसमें आता था, जम्मू प्लस कश्मीर प्लस लद्दाख। ठीक है, ऑनली इन 75 लाख। ठीक है, ये पे करता है किनको, ब्रिटिशर्स को, और ये अपने कब्जे में लेता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, इसमें कौन था, गुलाब सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कहेंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी बिटवीन गुलाब सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 16 मार्च 1846। यहां पे क्या हुआ, जो गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह ने पे किया 75 लाख नानकशाही रुपीज टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, और यही से क्या हुआ, दिस लैड द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यही से जम्मू कश्मीर बना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही उसी दिन 16 मार्च 1846 में ही फर्स्ट टाइम जो जे एंड के और लद्दाख जो है इसकी जो बाउंड्री थी वो डिमार्केट हुई। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिमार्केशन, ठीक है, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज भी हुई। ठीक है, कब, 16 मार्च 1846 में फर्स्ट टाइम उसी दिन क्या हुई, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज भी हुई। और जो इसी दिन 16 मार्च 1846 में ही क्या हुआ, जो गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह बिकेम द महाराजा, गुलाब सिंह जो है वो फर्स्ट महाराजा बना। ठीक है, महाराजा, महाराजा ऑफ जे एंड के। ठीक है, यहां तक
कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं इंडिविजुअली, अगर किसी को क्वेश्चन होता है वो भी कॉल करता है। लेकिन प्लीज और एक बात मैं यहाँ पे आपसे क्लियर करूँ, जिस वक्त क्विज होता है ना उस वक्त सिर्फ 10 to 13 जो होते हैं वो मतलब ये आंसर करते हैं, और जो बाकी होते हैं ना बाकी उस वक्त ऑनलाइन होते हैं वो देखते हैं सिर्फ क्या होता है क्विज, क्विज में कौन मतलब आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है, ठीक। लेकिन भाई यू आर मतलब आपको अंदर से वो फेर क्यों है, क्यों मैं वहां पे मुझे शायद एक भी नहीं आएगा, आपको ये फेर मत है। देखिए मैं क्विज इस तरीके से बनाता हूं कि अगर आपको कोई पॉइंट आप मतलब अदर देन जो जितना आपने पढ़ा होगा उससे मतलब ज्यादा ही मैं कुछ आपको मतलब देना चाहता हूं वहां पे, मैं खुद कुछ मैं मतलब जानबूझ कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता हूं मतलब जो आपने नहीं पढ़े होंगे, मैं ये सोचता हूं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलना चाहिए, ठीक है। क्विज के टाइम पे तो ऑनलाइन बहुत सारे होते हैं ठीक, लेकिन आंसर 10 to 13 करते हैं, लेकिन जैसे क्विज खत्म होता है उसके बाद क्या होते हैं 60 to 70 मैसेज आती हैं, ठीक है, इंडिविजुअली वो मैसेज करते हैं मुझे, इनबॉक्स करते हैं, कॉल्स करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन यार वहां पे आप क्यों डर। आई होप कि ऐसे आप क्विज में अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। देखिए अब नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट दिस गुलाब सिंह, हम देखेंगे गुलाब सिंह के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, कुछ वो मतलब पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखता हूँ और वही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, ही वाज़ द फर्स्ट महाराजा ऑफ J&K, ठीक है, ही वाज़ फर्स्ट महाराजा ऑफ J&K क्योंकि अब उसने ये जम्मू कश्मीर लद्दाख अब उसने क्या अपने कंट्रोल में लाया था, ठीक है, बाय पेइंग 75 lakh rupees, ठीक। उसके बाद ही वाज़ द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी कौन है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा वो वाज़ द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी आप क्या लिखोगे, महाराजा गुलाब सिंह होगा ऑप्शन, रंजीत सिंह होगा और क्या होगा दिलीप सिंह होगा, ठीक, खड़क सिंह होगा, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह वाज़ द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, यस। उसके बाद और एक पॉइंट, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका टाइटल क्या था, राजा ऑफ जम्मू, किसको बोलते थे, राजा ऑफ जम्मू वाज टाइटल गिवन टू महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, राजा ऑफ जम्मू, राजा ऑफ जम्मू किसका टाइटल था, गुलाब सिंह का टाइटल, ठीक है। उसके बाद ही सुपर, अब कुछ काम उसने कौन कौन से अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है, उसने कौन कौन से काम किए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही सुप्रेस्ड क्राइम, क्राइम को उसने सुप्रेस किया एंड कैप्चर लीडर्स ऑफ गलवान्स, ये गलवान्स कौन थे, ये गलवान्स थे क्राइमफुल पीपल, ये थे क्राइमफुल पीपल, ये बहुत मतलब क्या कर रहे थे, ये बहुत सारे क्राइम्स यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ही ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम और पुलिस का जो सिस्टम था, ठीक है, वो भी उसने क्या ठीक किया, ठीक। उसके बाद ही ऑर्गेनाइज्ड शाल इंडस्ट्री, वही शाल इंडस्ट्री जिसको ठेस पहुंचा था किसके टाइम पे, अफगान्स के टाइम पे, पठान्स के टाइम पे, जिसका खंडबद के टाइम पे जिसको क्या ठेस पहुंचा था, किसको, शाल इंडस्ट्री को, वो जो खंडबद था ना यार, वो खंडबद फिर आपने कमेंट्स में भी पूछा था खंडबद क्या होता है, खंडबद कुछ नहीं होता यार, वो मैंने एक जोक बोला था, ठीक है, जो कश्मीरी हो गई है ना कश्मीरी भाई बहन उनको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, ही ऑर्गेनाइज्ड शाल इंडस्ट्री जो है वो उसने फिर से स्टैंड की, ठीक है, वरना इसको क्या फेस पूछा था किनके टाइम पे, अफगान्स के टाइम पे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि 1851 में ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल, ठीक है, रघुनाथ टेम्पल जो है ना, रघुनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किसने की थी, वो स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने, ठीक है, कब, 1851 में गुलाब सिंह ने रघुनाथ टेम्पल की क्या स्टार्ट की थी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर ये कंप्लीट किसने की अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा, वो मैं आपको आगे बोलूंगा, ठीक है। देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही रिनोवेटेड भीमगढ़ फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट पता है किसको बोले, भीमगढ़ फोर्ट अभी मैं यहां पे लिखूंगा आपको खुद याद आएगा, आया कुछ, रियासी फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रियासी फोर्ट, ठीक है, भीमगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रियासी फोर्ट। ये जो रियासी फोर्ट है, रियासी फोर्ट ये बनाया किसने था, ये बनाया था ऋषिपाल राणा ने, ऋषिपाल राणा ने बनाया था ना, ऋषिपाल राणा ने ये बनाया था, लेकिन इसको रिनोवेट किसने किया, इसको रिनोवेट किया था गुलाब सिंह ने। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, एक ये कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल थी वो किसने की थी, वो की थी गुलाब सिंह ने, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्या इसको बोलते हैं भीमगढ़ फोर्ट जो रिनोवेट किया, ये भी किसने किया रिनोवेट, ये भी रिनोवेट किया किसने, गुलाब सिंह ने, लेकिन भीमगढ़ फोर्ट रियासी फोर्ट जिसको हम बोलते हैं, इसका इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो किसने की थी, वो की थी ऋषिपाल राणा ने, ठीक है, वो इसी के टाइम पे कंप्लीट भी हुई थी, ठीक है।
गुलाब सिंह के का जो पीरियड था वो यही तक एंड होता है, इसके बाद हम देखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रणवीर सिंह, ठीक है। गुलाब सिंह का हमने देखा, देखिए क्या होता था कि जब कोई किंग, मतलब जब किसी किंग की डेथ होती है उसके बाद उसका बेटा आता है, मतलब सक्सेसर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, जब गुलाब सिंह जो था 1856 तक वो क्या किंग रहा, उसके बाद उसकी डेथ नहीं हुई 1856 में और फिर उसका सक्सेसर बेटा आया रणवीर सिंह, नहीं ऐसा नहीं हुआ। जो गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह वाज नॉट फीलिंग वेल, उसको क्या लगा कि अब मैं, मतलब मेरा जो सेहत है वो अब ठीक नहीं है, ठीक। उसने क्या किया, उसने ऐसे ही रणवीर सिंह को क्या बनाया, किंग बनाया, ठीक है। उसने जो अपनी जो बादशाह थी वो किसको सौंप दी, वो रणवीर सिंह को सौंप दी। यानी कि इन शॉर्ट जो रणवीर सिंह था बेटा किसका, गुलाब सिंह का। उसने रीन किया 1856 टू 1855, ठीक है। देखिए रणवीर सिंह था बेटा गुलाब सिंह का, ये तो हमने आपने देखा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, रणवीर सिंह वाज सन ऑफ गुलाब सिंह। नंबर टू, मैंने अभी आपको बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल वाज स्टार्टेड बाय गुलाब सिंह, ठीक। बट नाउ इस ये कंप्लीट किसने किया, इट वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ रणवीर सिंह, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। Completed the construction of Raghunath Temple, Ranveer Singh completed the construction of Raghunath Temple, ठीक है। Important point है friends, ये important point है Raghunath Temple का, आप geography में देखोगे यहाँ पे भी देखोगे, ठीक। उसके बाद ruler during Sepoy mutiny in India, जिस वक्त Sepoy mutiny हुई थी इंडिया में, उस वक्त यहाँ पे महाराजा कौन था, उस वक्त था यहाँ पे महाराजा रणवीर सिंह। Sepoy mutiny पता है इसको बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिस वक्त इंडिया में हुआ था, यहाँ पे कौन था उस वक्त रूलर, उस वक्त यहाँ पे रूलर था रणवीर सिंह, नॉट गुलाब सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह था, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया, ही बिल्ट सॉरी हाँ उसने क्या की, पचोला लाइब्रेरी उसने बनाई कहाँ, रघुनाथ टेम्पल में उसने क्या बनाई, पचोला लाइब्रेरी किसने बनाई, पचोला लाइब्रेरी बनाई रघुनाथ टेम्पल में है, ये बनाई रणवीर सिंह ने, ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशन का जो सिस्टम था ना, एजुकेशन सिस्टम कोई भी ये प्रमोट कर रहा था, यहाँ पे भी प्रमोट किया और बाहर भी, मतलब क्या ये कर रहा थी एजुकेशन की प्रमोट की, बाहर भी कर रहा था और यहाँ पे भी की, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 1,00,000 रुपीज डोनेट किया, ठीक है, 1 lakh, डोनेटेड 1 lakh rupees फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, एट लाहौर, ठीक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी उसने कितना डोनेट किया, 1 lakh rupees, ठीक है। और उसने रणवीर पैनल कोड भी उसी का है, ठीक है, जो आरपीसी आप सुन रहे थे, जो एलएलबी वाले होते ना उनको ये पढ़ना पड़ता था, रणवीर पैनल कोड आरपीसी उसको बोलते थे, ठीक है। ये मानो कि मतलब इसमें कुछ कानून लिखे गए थे, लाल इसमें कुछ लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही फॉलोड अवंती वर्मन एंड बुटशा, ये किसके, मतलब ये किसको फॉलो कर रहा था, ये बुटशा को फॉलो कर रहा था और अवंती वर्मन को, यानी कि ये उनकी मतलब हिस्ट्री पढ़ रहा था, फिर देख रहा था कि वो कौन कौन से स्टेप्स ले रहे थे, ठीक है, वो कौन कौन से काम कर रहे थे, यही काम वो भी कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से ये भी लोगों के साथ पेश आता था, उसी तरीके से ये भी मतलब क्या करता था, तरक्की उसी तरीके से ये भी करता था, ठीक। उसके बाद क्या मैंने बोला, ही फॉलोड अवंती वर्मन एंड बुटशा, कौन, रणवीर सिंह, ठीक। उसके बाद 1877 में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1877 में उसने क्या किया, ही एस्टैब्लिशड अदालतुल आलिया, अदालतुल आलिया मींस हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट कब उसने एस्टैब्लिश किया, 1877 में, किसने एस्टैब्लिश किया हाई कोर्ट, किसने एस्टैब्लिश किया अदालतुल आलिया 1877 में, रणवीर सिंह ने, ठीक है। उसके बाद जो टेलीग्राफ और ये जो पोस्टल सर्विस आज भी चल रही है ना, ये उसी के टाइम पे इंस्टीट्यूट हुई थी, उसी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस जो थी ये उसने यहाँ पे इंस्टीट्यूट करवाई थी, ठीक है, किसने, रणवीर सिंह ने। उसके बाद आप एक मशहूर शहर है, आपने नाम सुना होगा, जो जम्मू के स्पेशली जो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, आरएस पोरा, ठीक है। आरएस पोरा का पता है ये फुल फॉर्म क्या है, रणवीर सिंह पोरा, ठीक है, रणवीर सिंह पोरा, रणवीर सिंह पोरा, उनको पता होगा, जो जम्मू साइड के स्टूडेंट सुना है, जो जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, रणवीर सिंह पोरा जो है, आप सॉरी अब मैं बहुत कमेंट कर, लेकिन आप कमेंट नहीं बोलूंगा, ठीक है, फिर आप बोलोगे सर शायद कमेंट्स मांग रहा, ठीक। देखिए रणवीर सिंह पोरा जो है ना, रणवीर सिंह पोरा इज फेमस फॉर बासमती राइस, ठीक है, हमें बासमती राइस जो ना बेस्ट क्वालिटी निकलती है, ठीक। आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, हम उस मुझे लगता है कि दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक, उसके बाद मैं आपको बहुत मिस करूंगा, कसम से बहुत मिस करूंगा, ठीक। लेकिन मेरी वीडियोज जो है वो आती रहेंगे,
और आज लास्ट में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, अगर आपको मेरी जो ये वीडियोस है ना, अगर आपको ये पसंद लगी ना, अगर आपको ये पसंद आती है, अगर आप इनको आप लाइक करते हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। और हमारा जो ग्रुप है फटाफट क्लास के नाम से चल रहा है, ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हो, वहां पे आप सारे लिंक्स चेक कर सकते हो। मेरी आईडी जो है फेसबुक आईडी, वो भी आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है, पर्सनल जो मेरी फेसबुक आईडी है, और आपको मिलेगी वहां पे पेज के लिंक भी आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको वहीं पे मिलेगा, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं तो कंटिन्यूअसली आपको व्हाट्सएप नंबर अपना देता हूँ, ठीक, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ठीक है, मुझे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, लेकिन आपको अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको, अगर अब आप सोचते होंगे कि जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो फिर आप ग्रुप्स में डालो, ठीक है, सिंपली। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।